one of the parameters that is to be done is ECG. Basically, guys, what I can say is any patient coming to you with complaints of chest pain which is present at rest, और अगर ये chest pain 20 minutes से ज़्यादा है तो आप suspect करेंगे कि patient could be suffering from myocardial infarction. अब issue ये है कि troponin I का level बढ़ने में तो time लगता है. Troponin I का elevation कम से कम 3 या 4 घंटे के बाद में आएगा. In a city like Delhi, where you have 4 hospitals every 1 kilometer, a patient might reach the hospital early. तो आप troponin I के basis पे wait तो नहीं करोगे यार troponin I बढ़ेगा तो myocardial infarction का diagnosis करना है. इस वजह से आपको ECG के findings मालूम होने चाहिए. और जो first ECG finding आप देखेंगे, this ECG finding will develop within few seconds of myocardial infarction. And this ECG finding that will be developing would be in the form of presentation of hyperacute T waves. Hyperacute T wave देखने में इस टाइप से लगेगी. Normal मैंने ECG draw करा PQRST T wave. लेकिन अभी मैं जो एबनॉर्मल टी वेव ड्रॉ करी है आपके सामने, दिस वुड बी रेफर टू एज अ हाइपर एक्यूट टी वेव. इस हाइपर एक्यूट टी वेव का अपस्विंग भी है और हाइपर एक्यूट टी वेव का डाउनस्विंग भी है. आपको ये चीज अप्रिशिएट करनी है कि जो मैंने यहाँ पे अपस्विंग ड्रॉ किया है और जो मैंने डाउनस्विंग ड्रॉ किया है, पहली बात तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है. सेकेंड, अगर आप इसकी पीक देखें तो इसकी जो पीक है ये राउंडेड है और कॉन्वेक्स है. इन कॉन्ट्रास्ट में सेपरेट कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, उसको अप्रिशिएट करिएगा. अभी जो ईसीजी फाइंडिंग मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, दिस ईसीजी फाइंडिंग वुड बी सजेस्टिव ऑफ हाइपरकलीमिया. हाइपरकलीमिया के केस में जो ईसीजी फाइंडिंग लिखी होती है, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ टॉल टेंटेड टी वेव्स. जब आप वर्ड पढ़ते हैं टॉल टेंटेड टी वेव्स, तो थ्योरी में तो आप जानते ही हो कि हाइपरकलीमिया है, लेकिन अगर ईसीजी में दे दे तो जो पैरामीटर है, पहली बात तो इसका अपस्विंग और डाउनस्विंग बराबर है, दूसरा इसकी पीक पे ट्रायंगुलर स्पाइक आ रहा है. ये ट्रायंगुलर स्पाइक की वजह से ही इसको बोलते हैं टॉल टेंटेड टी वेव. लेकिन जो मैंने राइट में ड्रॉ किया है उस पर एक डोम प्रेजेंट है. दिस ईसीजी फाइंडिंग दैट आई हैव टोल्ड यू विल डेवलप विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. अप्रॉक्सीमेटली MI के 20 मिनट के बाद में द सेकेंड ईसीजी फाइंडिंग दैट विल बी डेवलपिंग इन द पेशेंट इज ST एलिवेशन. लेकिन जरूरी नहीं है यार कि हर पेशेंट में ST एलिवेशन होगा, क्योंकि कई पेशेंट्स को तो नॉन ST एलिवेशन MI होता है. ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन इस टाइम पर आप अप्रिशिएट करिए कि अगर किसी पेशेंट को ST एलिवेशन होगा तो दिस ST एलिवेशन विल लुक कॉन्वेक्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, जहां पे मैंने हम ड्रॉ किया. इस पे जो वन लाइनर MCQ आया हुआ है, दैट इज वाई द नेम ऑफ पार्टी साइन. कि जी पार्टी साइन क्या होता है, तो पार्टी साइन इज ST एलिवेशन जिसका ऊपर वाली साइड पे हम्प है, कॉन्वेक्सिटी है अपवर्ड डायरेक्शन पे. मैं अभी स्लाइड पे भी फोकस करूंगा, तो मैं आपको स्लाइड पे बताऊंगा कि ये ST एलिवेशन कैसे दिखता है. लेकिन इस टाइम पे आप अप्रिशिएट करिए कि मैं एक और ST एलिवेशन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार ही मैंने ST एलिवेशन में कोई कॉन्केविटी नहीं ड्रॉ करी है, कॉन्वेक्सिटी नहीं ड्रॉ करी है, कॉन्केविटी ड्रॉ करी है. ये ST एलिवेशन जो कि कॉन्केव इन अपवर्ड डायरेक्शन है, दिस इज अ ECG फाइंडिंग जो आपको मिलेगा इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस. MCQ स्टेटमेंट बोल देता हूँ यहाँ पे. एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में हमेशा आपको ST एलिवेशन मिलता है, सारी लीड्स में ST एलिवेशन मिलता है एक को छोड़ के. दैट इज गोना बी AVR, क्योंकि राइट में है तो ऑपोजिट आएगा ST डिप्रेशन. एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के केस में ST एलिवेशन सारी लीड्स में मिलेगा एक को छोड़ के, दैट इज AVR. MCQ को ज़्यादा मुश्किल करेगा तो आपको ST एलिवेशन की जगह पर लिख देगा PR सेगमेंट डिप्रेशन. PR सेगमेंट डिप्रेशन इन ऑल लीड्स लिखा हो या ST एलिवेशन लिखा हो विद कॉन्केविटी इन अपर डायरेक्शन इन ऑल लीड्स, इट इज ऑलवेज गोना बी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस. लेकिन MI में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि MI तो स्पेसिफिक एरियाज पे होगा, सो जो फाइंडिंग्स मिलेंगे आपको दैट वुड बी ओवर स्पेसिफिक लीड्स. व्हेन इट कम्स टू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, द ST एलिवेशन विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एरियाज ऑफ द हार्ट दैट आर सफरिंग फ्रॉम इन्फॉक्शन. ST एलिवेशन इज अ ECG फाइंडिंग दैट विल डेवलप अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स डाउन द लाइन. MI में एक घंटे के बाद में जो नेक्स्ट ECG फाइंडिंग आएगी उसका नाम होता है डीप क्यू वेव्स. डीप इसलिए बोला क्योंकि नेगेटिव हो जाती हैं और ज़्यादा बिगर हो जाती हैं. इन डीप क्यू वेव्स को अप्रिशिएट करना बाकी चेंजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल होता है. लेकिन अगर मैं कंपैरिजन में बोलूँ तो डीप क्यू वेव्स आर इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ. और क्योंकि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे वर्ड लिखा सेल डेथ, तो आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि ट्रीटमेंट के बाद में ये ECG फाइंडिंग कभी भी नॉर्मलाइज नहीं होगी, ये ECG फाइंडिंग ऐसी की ऐसी ही रहेगी. देयरफॉर द मैसेज इज द डीप क्यू वेव्स आर इंडिकेटिव ऑफ ऑल्सो अ प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और अ ओल्ड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. द फोर्थ एंड द लास्ट ECG फाइंडिंग इन MI इज डेवलपमेंट ऑफ टी वेव इन्वर्जन.
ये टी वेव इन्वर्जन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं. सो एंट्रेंस एग्जाम एक्सेट्रा इज ओके. आई वॉन्ट कि आप लोगों की इतनी कैपेसिटी हो कि क्वेश्चन करने के साथ साथ में आप पेशेंट की ECG देख के बता पाओ कि आपको कितने घंटे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था. एनी पेशेंट विद चेस्ट पेन लास्टिंग फॉर मोर देन 20 मिनट्स विद ECG फाइंडिंग्स इन द सीक्वेंस दैट आई मेंशन्ड बिफोर यू, क्वेश्चन आपको या तो पूछ लेगा जी अर्लीस्ट बता दो वन लाइनर वाला. स्ट्रैटेजी है यार कि नए वाले क्वेश्चन पूछ रहा है. अभी तक तो ये था कि पुराने क्वेश्चन पूछता था, रिपीट क्वेश्चन होते थे. अभी आपको नए क्वेश्चन पूछ रहा है तो नए क्वेश्चन के हिसाब से आपको सीक्वेंस क्लियर होनी चाहिए एज फार एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज कंसर्न. एंड देन ऑब्वियसली द मेन टेस्ट दैट इज गोना बी ECG के साथ में आपको एक ब्लड टेस्ट करना है. एंड द ब्लड टेस्ट दैट इज गोना बी डन हेयर इज गोना बी नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ ट्रोपनिन आई. ट्रोपनिन आई का नॉर्मल लेवल आप में से मोस्ट लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है. तो ट्रोपनिन आई एक क्वांटिफिकेशन है, आप क्वालिटी नहीं क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं. यहाँ पे ट्रोपनिन आई के नॉर्मल वैल्यूज आपको आने चाहिए. नॉर्मल वैल्यूज और ट्रोपनिन आई इन द ब्लड वुड बी 0.04 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर. और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में ये डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 5 times हो सकता है, 10 times एलिवेशन हो सकता है. अगर मेरे पास दो पेशेंट्स आए, एक का डबलिंग है, एक का 10 times एलिवेशन है, तो ऑब्वियसली मैं क्वांटिफाई कर रहा हूँ कि पेशेंट जिसका 10 times एलिवेशन है ज्यादा डैमेज प्रेजेंट होगा. ऐसा भी हो सकता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में सडन कार्डियक डेथ हो जाए. सडन कार्डियक डेथ इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ MCQ बाय इटसेल्फ. सडन कार्डियक डेथ इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ड्यू टू अरिथमिया बाय द नेम ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. MI के पेशेंट से पूछोगे पेन कहाँ पे होता है, इज गोना पुट हिज फेस टू द चेस्ट, इज गोना से डॉक दिस इज वेयर द पेन इज, दिस इज रेफर टू एज लेवाइन साइन. पेन रेडिएट भी कर सकता है लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट फोर आर्म में, राइट साइड में जा सकता है डेक्स्ट्रोकार्डिया में, अपर जा सकता है एंगल ऑफ द जॉ तक, एब्डामन में जा सकता है अम्बिलिकस के लेवल तक. इतना एक्सटेंसिव पेन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इज रेडिएटेड बाय अ नर्व. नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग ऑफ पेन ऑफ MI. मेरा कंसेप्ट समझिएगा आप. मेरा कंसेप्ट यह है कि हार्ट तो अंदर है और पेन चेस्ट में हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो नस है जिसकी वजह से पेन डेवलप हो रहा है. नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग द पेन ऑफ MI. द नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग द पेन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डियक नर्व. इसी क्वेश्चन को फिर चेंज कर दिया. अगले साल बोलता है विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग द चेस्ट पेन ऑफ एक्यूट पेरिकार्डिटिस. द नर्व रिस्पॉन्सिबल मीडिएटिंग द चेस्ट पेन ऑफ एक्यूट पेरिकार्डिटिस इज गोना बी द फ्रेनिक नर्व. सो नर्व्स एक्सेट्रा तो इश्यूज पूछ ही रहा है. उसके अलावा आपको WHO डेफिनेशन ऑफ MI आनी चाहिए, आपको एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आनी चाहिए. सो इट इज टोटैलिटी विच दैट मैटर्स. और बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइनिंग क्लासेस इज दैट यू आर एबल टू कवर द टॉपिक इन अ शॉर्टर पीरियड टाइम फ्रेम सो दैट यू आर एबल टू डू रिविजन्स. रिविजन इज ऑल दैट मैटर्स एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न्ड. इट इज मल्टीपल रिविजन्स ऑफ द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन दैट मैटर्स. ये जो ECG फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है. लेकिन इसके साथ में आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन IMCQ. सडन डेथ इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. ये तो मैंने बोला ही. अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके बोलूँ सडन डेथ इन अ डायबिटीज मेलिटस पेशेंट इज ड्यू टू, तो डायबिटीज पेशेंट्स में सडन डेथ कॉलेज में भी पढ़ाया गया आपको गया होगा आपको. सडन डेथ इन डायबिटिक पेशेंट्स इज ड्यू टू साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. और ये साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इसलिए होता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई. और डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कौन सी नर्व की हुई, इन्फीरियर सर्वाइकल कार्डियक नर्व की न्यूरोपैथी की वजह से साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया. क्वेश्चन को दोबारा से चेंज करो. सडन डेथ इन अल्कोहलिक. सडन डेथ इन अल्कोहलिक इज ड्यू टू एरिथमिया बाय द नेम ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन विच इज रेफर टू एज ऑल्सो हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम. तीन क्वेश्चंस बोले सडन डेथ MI में, सडन डेथ डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट में, सडन डेथ हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम के पेशेंट में, दैट कुड बी एट्रियल फिब्रिलेशन. सडन डेथ इन एनी पेशेंट स्पेशली यंग गाय प्लेइंग फुटबॉल इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. लेकिन यार ये MCQ तो पुराना हो गया. अगर आप अभी हैरिसन पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे सडन डेथ इन अ यंग गाय प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर HOCM शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू एज एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया. एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया में ECG में एक नई फाइंडिंग आती है जिसका नाम है एप्सिलॉन वेव्स. एप्सिलॉन वेव्स आपको S वेव के एंडिंग में मिलती हैं. एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सडन डेथ, क्योंकि HOCM के लिए जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है. बीटा मायोसिन जीन की टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी की वजह से आजकल ये देखा जाता है कि HOCM का इंसिडेंस एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर सकता हूँ कम हो गया है. और ARVD सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सडन डेथ वाइल प्लेइंग फुटबॉल. तो नया MCQ जो डालेगा उसमें सडन डेथ वाइल प्लेइंग फुटबॉल में HOCM चॉइस में होगा ही नहीं,
ई विल रैदर से एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। तो ऑब्जेक्टिव एयर हमारा यही है और फैकल्टी को भी हमने यही बोला है कि नए एमसीक्यूज क्रिएट करें, क्योंकि नए एमसीक्यूज के बेसिस पे ही हम आपको ये स्ट्रैटेजी बता पाएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और नए टॉपिक्स के बेसिस पे ही अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है। इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन एंड इट्स ऑल अबाउट द गट फीलिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू दैट डिसाइड्स द रिजल्ट इन द एग्जाम। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट दैट वट एवर थिंग्स दैट आई एम गोना से बिफोर यू इन द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन, especially on the slides, should definitely be remembered by you. I would now like to focus on the slides. If you look at the following representation in the ECG that I have shown before you, this patient may ST elevation hai, which you can see in lead 2. ST elevation is present in these patients in lead 3, and ST elevation in these patients can also be seen in lead AVF. Aapko yaad karna hai ki lead 2, lead 3 aur lead AVF mein अगर ST elevation ECG में प्रेजेंट है, then the clinical presentation of the patient goes in favor of a diagnosis of a inferior wall myocardial infarction. इसमें देखिए reciprocal changes भी हैं जो कि lead AVL में आ रहे हैं, so AVL के जो ST segment का depression आ रहा है, that is gonna be reciprocal change, लेकिन AVF में जो ECG finding है, that is gonna be suggestive of ST segment elevation. Most of the time, the clinical presentation of this particular ECG will be patient having chest pain at rest, along with development of multiple episodes of vomiting as well as hiccups. The only type of MI jisme aapko ECG mein ye following findings milengi 2-3 AVF mein aur saath mein history likha hoga vomiting present in a patient. Vomiting inferior wall MI mein is wajah se hoga kyunki inferior wall MI forms the base of the heart aur base of the heart is gonna be touching the diaphragm aur diaphragm ke jo nerve supply hoti hai that is gonna be the vagus. So irritation of the vagus nerve will result in development of vomiting in a patient. Diaphragm mein phrenic bhi hoti hai, to hiccups bhi develop honge. To MCQ ke initial line pe dhyan dena, chest pain at rest, saath mein hiccups bhi hai, saath mein vomiting bhi present hai, that is going to be clinical indicator of inferior wall MI. Aur kisi MI mein GI symptoms nahi diye hote hain, sirf inferior wall MI mein hote hain. Hemodynamically aapko diya hoga, patient is having bradycardia with unrecordable BP. Har MI mein tachycardia hota hai. हर एम आई में आपको हाइपरटेंशन मिलती है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो ब्रैडीकार्डिया विद अ प्रेजेंटेशन ऑफ अनरिकॉर्डेबल बीपी देन इट इज गोना बी इन्फीरियर वॉल एम आई, और ऐसे केस में आपने फॉलोइंग लीड्स को देखना है एंड आस्क द नर्स टू गिव द मून प्रोटोकॉल। मून प्रोटोकॉल का मतलब होगा मॉर्फिन, ऑक्सीजन, एस्प्रिन और नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स देने से हाइपोटेंशन होती है, और इन पेशेंट्स को जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फीरियर वॉल एमआई में देर इज गोना बी अ डेवलपमेंट ऑफ सिवियर हाइपरटेंशन। तो ये एक ऐसा एमसीक्यू और क्रिएट किया मैंने कि नाइट्रेट्स आर गोना बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ इन्फीरियर वॉल एमआई बिकॉज द बीपी इज ऑलवेज गोना बी लेस। सो मून प्रोटोकॉल देने से पहले आपने हमेशा ये लीड्स देखनी है, उसके बाद में ही मून मॉर्फिन ऑक्सीजन एस्पिरिन नाइट्रेट्स को प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि नाइट्रेट्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स हु आर हैविंग अनरिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू रिक्वायर अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 70 टू मेंटेन ब्रेन का ऑटो परफ्यूजन, और इन पेशेंट्स में ब्रेन का ऑटो परफ्यूजन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड है, ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, अब नाइट्रेट्स देंगे तो ये परफ्यूजन और भी रिड्यूस्ड हो जाता है। देयरफॉर इन्फीरियर वॉल एमआई इज अ पेक्यूलर टाइप ऑफ एमआई दैट हैज जीआई सिम्टम्स and is also having bradycardia with unrecordable BP. Drug wise yaad rakhiyega, nitrates are always gonna be contraindicated. For treatment of patients who are suffering from this ST elevation MI, the best treatment is PCI, percutaneous coronary intervention. PCI karne ke liye door to balloon time is 90 minutes. Though jis hospital mein maine kaam kiya hai, we used to do it in half the time available for the patient. 90 minutes ke jagah pe hum isko 45 minutes pe karte the, aajkal some hospitals are doing it in 35-40 minutes of patient reaching the hospital. So PCI is the best treatment for patients of ST elevation MI. Lekin agar yahi MCQ ghuma ke pooch le non ST elevation MI ke liye kya karoge, tab aapne mnemonic yaad karna hai ABE MON. MON to jante hi ho, morphine, oxygen, aspirin aur nitrates, but ABE mein A se ho jayega abciximab, B से हो जाएगा बीटा ब्लॉकर, E से हो जाएगा इनोक्सापेरिन। सो द मैसेज इज अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट में आपने थ्रोम्बोलाइसिस, नॉन एस्टी एलिवेशन एम आई के पेशेंट में थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। ऐसे पेशेंट में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज करा जाएगा दैट वुड बी रेफर टू एज ए बी ई मोन। इसी क्वेश्चन और इसी ECG को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ जो कि कुछ लड़कों को आई थी। अगर हम नेक्स्ट ECG में देखते हैं तो इस ECG में आपको जो प्रीवियस ECG से फाइंडिंग कंपैरिजन मिलता है, इस पेशेंट में यू आर नॉट फाइंडिंग एनी एसटी सेगमेंट एलिवेशन। रेदर आपको यहां पे जो फाइंडिंग मेन मिल रहा है दैट इज गोना बी कि सारे लीड्स में देखिए, खासकर अगर आप प्रीकॉर्डियल लीड्स में देखते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट टी वेव इन्वर्जन मिल रहा है। इस पे जो क्वेश्चन डीएनबी पे आया था वो इस तरीके से था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था फीमेल पेशेंट प्रेजेंटिंग टू द हॉस्पिटल
विद अर्ली मॉर्निंग चेस्ट पेन। आपको बताना चाहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग चेस्ट पेन 4 AM to 6 AM के बीच में जब आपकी शिफ्ट खत्म हो रही होती है और मैक्सिमम टायर्ड होते हैं, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ सजेशन ऑफ प्रिंस मेटल एंजाइना। प्रिंस मेटल एंजाइना फीमेल्स में ज्यादा कॉमनली मिलता है। प्रिंस मेटल एंजाइना के साथ में एक एंसेंटल हिस्ट्री दी हो सकती है कि दिस फीमेल कुड बी हैविंग रेनॉल्ड्स फिनोमेनन और कुड बी हैविंग माइग्रेन। माइग्रेन भी वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर है, रेनॉल्ड्स फिनोमेनन भी वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर है। सो देयरफॉर इफ यू रीड अ क्वेश्चन सेइंग फीमेल पेशेंट विद अर्ली मॉर्निंग चेस्ट पेन एंड द चेस्ट पेन ऑफ दिस पेशेंट ईसीजी करी गई, तो सिर्फ फाइंडिंग आपको टी वेव इन्वर्जन की आ रही है। दिस इज इंडिकेटिव ऑफ प्रिंस मेटल एंजाइना इन अ पेशेंट। वैसे तो प्रिंस मेटल एंजाइना में आपको हमेशा एसटी एलिवेशन मिलता है, लेकिन इस पेशेंट में सिग्निफिकेंट एसटी एलिवेशन प्रेजेंट नहीं है। एसटी एलिवेशन सिग्निफिकेंट तब मानते हैं इफ इट इज गोना बी मोर देन 0.2 millimeter एज फार एज मेल पेशेंट्स आर कंसर्न्ड। 0.2 millivolts और 0.2 millimeter इंक्रीमेंट अगर एसटी एलिवेशन है, पर इस पेशेंट में आपको मेनली टी वेव इन्वर्जन मिल रहा है। प्रिंस मेटल एंजाइना इज अ कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज बाय स्पैज्म ऑफ द एपिकार्डियल कॉर्नरी आर्टरीज। बहुत बारी इन पेशेंट्स में एसटी एलिवेशन प्रोवोकेटिव टेस्ट पे ही डायग्नोज होता है। सो इस पर्टिकुलर ईसीजी में, जिसको मैंने आपको शो किया, इस पर्टिकुलर ईसीजी में एसटी एलिवेशन ना होकर सिर्फ मेन फाइंडिंग बन रही है टी वेव इन्वर्जन की। यू कैन कंपेयर विद द प्रीवियस ईसीजी ग्रॉस चेंजेस, दिस पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अगर आप इस ईसीजी को देखें तो इस ईसीजी में ऑल द लीड्स, सारी लीड्स में जहां पे भी आपकी नजर जाती है, सारी ही लीड्स में सिग्निफिकेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन प्रेजेंट है। एक ही लीड में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन प्रेजेंट है और वो है एवीआर में। आप अगर स्टार्टिंग में मुझे ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने आपको बोला था दैट एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इन एवीआर एंड एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन ऑल द अदर लीड्स, खासकर ये तो बहुत क्लासिकल है एसटी एलिवेशन, दिस वुड बी अ फीचर दैट इज सजेस्टिव ऑफ एक्यूट पेरिकार्डिटिस। इस पेशेंट में क्वेश्चन को मॉड्यूलेट कर देगा, क्वेश्चन में लिखा होगा पेशेंट हैविंग चेस्ट पेन एट रेस्ट, आगे लिखा होगा दिस पेशेंट इज हैविंग रेडिएशन ऑफ पेन एंड द रेडिएशन ऑफ पेन इन दिस पेशेंट इज अकरिंग मेनली टू द ट्रेपीजियस और मे बी टू द शोल्डर ऑफ द पेशेंट। लेवाइन साइन यहां पर डिस्क्राइब नहीं होगा। और फिर लिखा होगा पेशेंट का चेस्ट पेन इज रिलीव्ड ऑन सिटिंग अप। सो चेस्ट पेन रिलीव्ड ऑन सिटिंग अप, एमआई में तो यार किसी भी पोजीशन में पेशेंट हो हमेशा ही चेस्ट पेन होता है, लेकिन इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा चेस्ट पेन विल बी रिलीव्ड ऑन सेटिंग अप एंड द पेन रेट वुड बी रेडिएटिंग टू द शोल्डर। ऑन एग्जामिनेशन इन द पेशेंट देयर विल बी अ फाइंडिंग ऑफ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। दिस पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब विल बी हर्ड बोथ ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन एंड द ईसीजी फाइंडिंग ऑफ द मेन पिकअप पॉइंट इज एसटी एलिवेशन इन ऑल द लीड्स एक्सेप्ट फॉर अ फाइंडिंग ऑफ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इन अ राइट साइडेड लीड एंड दैट आई एम एम्फसाइजिंग वंस अगेन इज एवीआर। दिस इज अ न्यू एंट्री इन हैरिसन नाउ। दिस कंडीशन इज नोन एज टाको टसुबो कार्डियोमायोपैथी। टाको टसुबो कार्डियोमायोपैथी की जो इन्फॉर्मेशन है दैट कम्स फ्रॉम जापानी स्टडीज। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ ऑक्टोपस। टाको टसुबो का जापानीज में नाम होता है हेड ऑफ अ ऑक्टोपस। सो टाको टसुबो कार्डियोमायोपैथी क्यों होती है उसको सुनिएगा। टाको टसुबो कार्डियोमायोपैथी डेवलप्स ड्यू टू कैटेकोलामिन टॉक्सिसिटी। जापान इज अ कंट्री दैट इज रेवेज बाय अर्थक्वेक्स। सो मेनली इस डिस्क्रिप्शन का, इस कंडीशन का डिस्क्रिप्शन आपको जापान से मिलता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा अ लेडी हैज सर्वाइव्ड एन अर्थक्वेक एंड इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन। दिस लेडी हु सर्वाइव्ड अर्थक्वेक एंड इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन विल बी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल एंड व्हेन ईसीजी विल बी डन इट विल बी शोइंग एसटी सेगमेंट एलिवेशन। ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, ट्रोपोनिन आई के लेवल डबल होंगे, सो वी आर मेकिंग अ प्रेजम्प्टिव डायग्नोसिस ऑफ एसटी एलिवेशन एमआई इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। इस पेशेंट को कैथ लैब में ले जाया गया और कैथ लैब में जब इस पेशेंट की एंजियोग्राफी करी गई तो एंजियोग्राफी ऑफ दिस पेशेंट इज परफेक्टली नॉर्मल। द डायग्नोसिस ऑफ टाको टसुबो कार्डियोमायोपैथी इज मेड इन द कैथ लैब वेयर द एंजियोग्राफी ऑफ द पेशेंट इज परफेक्टली नॉर्मल। अगर इस पेशेंट की बेड साइड इकोकार्डियोग्राफी करी जाए, सो बेड साइड इकोकार्डियोग्राफी में वी विल बी एबल टू सी द बल्ज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल दैट आई हैव हाइलाइटेड हियर व्हिच लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ ऑक्टोपस। तो ये बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एपेक्स हार्ट का बल्ज कर रहा है। नॉर्मली तो देखिए इस टाइप की डायलेटेशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनोरिज्म में भी हो सकती है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनोरिज्म एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि एमआई के एक या दो हफ्ते के बाद में होगा। यहां पे तो मैंने बोला पेशेंट आया आपके पास में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बल्ज में, लेफ्ट वेंट्रिकल के एपेक्स में बल्ज मिल रहा है। दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट पेशेंट इज हैविंग अ टीटीसीएम। इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आपने कार्डियोजेनिक शॉक का ट्रीटमेंट करना है। सभी जानते हो कार्डियोजेनिक शॉक का ट्रीटमेंट होता है डोपामीन और डब्यूटामीन, लेकिन इस एमसीक्यू में डोपा और डब्यूटामीन आंसर नहीं करना।
इसलिए नहीं करना क्योंकि डोपा एंड डोब्यूटामिन दोनों ही कैटेकोलामिन्स के लेवल को बढ़ाते हैं और इस पेशेंट में कैटेकोलामिन टॉक्सिसिटी है, इसलिए इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बात से करेंगे इंट्रा आयोटिक बैलून पंप IABP और इंट्रा आयोटिक बैलून पंप इज द मेन ट्रीटमेंट टू बी यूज फॉर दीज पेशेंट्स, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कैटेकोलामिन